तो यार फ्लिपकार्ट पर मैंने कुछ हेडफोन सर्च किए और इन सब हेडफोन्स में मुझे एक चीज़ कॉमन लगी, इनके फीचर्स में लिखा हुआ था नॉइस कैंसिलेशन। अब ये नॉइस कैंसिलेशन किस चिड़िया का नाम है एंड हाउ दिस फीचर इज सो इम्पॉर्टेंट इन वॉइस रिकॉर्डर एंड हेडफोन्स, आप ये वीडियो देखते रहिए और हम इस वीडियो में समझेंगे कि नॉइस कैंसिलेशन क्या है और मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट पार्ट इसके पीछे की जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। नॉइस कैंसिलेशन का सीधा सा मतलब है जो अनवांटेड साउंड है, जो आवाज़ है, उसे अवॉइड करना ताकि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। अब वो एक्सपीरियंस चाहे कुछ रिकॉर्ड करते वक्त मिले या कुछ अच्छा सुनते वक्त मिले। और बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन दो तरीके से हो सकता है, पहले तो प्रोडक्ट का फिजिकल डिज़ाइन ही ऐसा रखा जाए जो बाहर के साउंड को आने ना दे, या फिर कह सकते हैं कि चॉइस ऑफ मटेरियल ही ऐसा हो जो बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक करके रखे। तो ये था पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। और एक दूसरा होता है, वो होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती है। अब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और वो कुछ यूं है कि बहुत सारी चीज़ों का एक एंटी पार्ट, एक इक्वली ऑपोजिट एंटी पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे प्लस फाइव और माइनस फाइव। उसी तरह साउंड का भी एक एंटी साउंड होता है। तो जिस तरह प्लस फाइव और माइनस फाइव को मिलाने पर कुछ न्यूट्रल सा रिजल्ट निकल कर आता है, उसी तरह साउंड अगर एंटी साउंड को मिलाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और उसी तरह फिर इसका रिजल्ट भी न्यूट्रल सा निकल के आता है, विच मीन्स अ कम्प्लीट साइलेंस। तो फाइनली अब समझते हैं कि आपके हेडफोन्स में आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, इन हेडफोन्स में नॉइस कैंसिलेशन के लिए बकायदा एक सर्किट लगा होता है और इस सर्किट में एक माइक्रोफोन भी होता है जो बाहर के साउंड को या नॉइस को रिसीव करता है और रियल टाइम पर उसका एक एंटी साउंड बनाता है। और अब तो आपको पूरी पिक्चर पता ही है, यही एंटी साउंड उस नॉइस को आपके कानों तक पहुंचने से पहले ही उसे कैंसिल आउट कर देगा और फिर आप बिना किसी रुकावट के गाने सुन सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइज, YouTube पर ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कैसा भी लगा हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। मैं YouTube पर ऐसे ही छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।